कॉलीफ्लावर की सब्जी वैसे तो बहुत सिंपल सी अच्छी लगती है, लेकिन क्या हम इसमें कुछ वेरिएशन ला सकते हैं? तो नेक्स्ट टाइम जब आप कॉलीफ्लावर की सब्जी बनाओगे तो आप ये रेसिपी ट्राई करके देखना, और मेरी गारंटी है कि आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है तेल। यहाँ पर मैंने कास्ट आयरन की कढ़ाई यूज की है, इसका रीजन मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फिर कॉलीफ्लावर के थोड़े बड़े साइज के पीसेस मैंने कर लिए हैं और उसको वॉश करके अच्छे से पोंछ लिया है। ध्यान रखें कि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे। और ये तेल बस हल्का सा गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिए ये कॉलीफ्लावर। अब फ्लेम को हाई करके हम इसे कंटिन्यूअसली स्टर करेंगे जब तक इसमें डार्क ब्राउन स्पॉट्स नहीं आ जाते। और यही रीजन था कि मैंने कास्ट आयरन की कढ़ाई यहाँ यूज किया, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी हमारा कॉलीफ्लावर ब्राउन हो जाएगा। और जो टेस्ट आपको आयरन की कढ़ाई में मिलेगा वो आपको स्टील या एल्यूमिनियम में नहीं मिलेगा। ये देखिए एकदम परफेक्ट ब्राउन हो गए हमारे कॉलीफ्लावर। अब इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का ऑनियन जूलियन कट करके, और इसे भी हम स्टर फ्राई कर लेंगे जब तक ये कैरेमलाइज नहीं हो जाते। आप देख सकते हो अनियन का कलर एकदम परफेक्ट हो गया है। अब इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच टोमेटो केचप। ध्यान रहे कि इसमें हम टमाटर नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि उससे बहुत सॉफ्टी बन जाएगी ये सब्जी। थोड़ी सी शक्कर मैंने इसमें डाल दी है और इसे कर लेंगे मिक्स। एकदम सिंपल सी सब्जी है ये, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ज्यादा इसमें मसाले नहीं डाल रहे हैं। अब हम इसे कवर करके कुक कर लेते हैं। लो फ्लेम पर इसे कुक करना है। आपको 10 मिनट से ज्यादा या कम भी टाइम लग सकता है। आप इसे हाथों से प्रेस करके चेक कर सकते हो कि ये कुक हुआ है या नहीं। अब सबसे लास्ट में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। अब बारी आती है धनिया की, और ये हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है। एकदम चटकेदार और चटाकेदार सब्जी हमारी रेडी हो गई है। पेपरी ऑनियन कॉलीफ्लावर आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।